नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आप देख रहे खबर दो टूक। दो बज चुके और दो बजने के साथ ही खबर दो टूक लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। दो बजे तक क्या कुछ हो चला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द टूट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि कल ही कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया था और अब ये बयान बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अखिलेश के चाचा शिवपाल और आरएलडी अध्यक्ष गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। तो संजय निषाद का बड़ा बयान। एक ही विचारधारा से जो भी सहमत है उसका स्वागत है। अभी तो आप देखना ना, उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं, जयंत जी भी आने वाले हैं। क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा बना रहे हैं। शिवपाल जी भी नहीं को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो आ रहा है और आगे आते रहेंगे और हम लोग काम कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का यह बयान, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, आने वाले दिनों में शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संजय निषाद ने यह बड़ा बयान दे दिया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। संजय निषाद का यह बयान। कल ही आपको बता दें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यह बयान दिया था कि आरएलडी एनडीए के साथ जाएगी और समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट होने वाली है। तो बड़ी जानकारी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है जिनका यह बड़ा बयान आया है। महाराष्ट्र में जिस तरह सियासी उथल पुथल हुई उसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा खेल हो सकता है यूपी में भी। और जिस तरह जयंत चौधरी विपक्षी दलों के बैठक में शामिल नहीं हुए थे उसके बाद और कयास तेज हो गए, वहीं अब संजय निषाद के बयान से सियासत और गर्माने लगी है। दरअसल संजय निषाद ने यह कह दिया कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं, ये जानकारी संजय निषाद दे रहे हैं। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं संजय निषाद। और कल ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो आपको बता दें सोनेलाल जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, उन्होंने लखनऊ में ये एक बड़ा बयान दिया था और उसके बाद ये बयान कहीं ना कहीं सियासत को गर्मा रहा है। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। अभिषेक राय जी, क्या राय है आपकी संजय निषाद जी के बयान पर? अभिषेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी आवाज मिल पा रही है? तो बड़ी खबर, आने वाले दिनों में शिवपाल यादव भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। ये निषाद, संजय निषाद का बयान, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द टूट देखने को मिल सकती है। कल ही केंद्रीय मंत्री आपको बता दें कि रामदास अठावले ने बयान दिया और अब संजय निषाद ने बयान दे दिया है जिसकी वजह से अब सियासत और गर्माने लगी है यूपी में। क्या महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खेल होने वाला है, कुछ घटनाक्रम देखने को मिलेगा? क्या कुछ पार्टियों के नेता अब एनडीए या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा कि एनसीपी में टूट हो गई और एनसीपी के नेता एनडीए में शामिल हो गए। और देखिए कुछ ही घंटों में यह बदलाव देखने को मिला कि कुछ नेता एनडीए में शामिल हुए, मंत्री भी बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। अब बड़ी सवाल यह है कि क्या यूपी में भी ऐसा कुछ होने वाला है? तो संजय निषाद का यह बयान आपने सुना जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है और निषाद पार्टी के मुखिया भी हैं। लेकिन वहीं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा था, रामदास अठावले जो कल आए थे लखनऊ, वो क्या बयान देके गए थे जिसके बाद यह मामला कहीं ना कहीं गर्मा रहा है, सुनिएगा।
उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी भी नारा चल रहे हैं, वो भी मतलब एनडीए के साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो माननीय अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसमें भी टूट फाट हो सकती है, इसी तरह की भी कोई कोई एकाधा निर्णय यहाँ भविष्य में हो सकता है। अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। अभिषेक जी आपकी क्या राय है सर, रामदास अठावले का बयान और अब संजय निषाद का बयान कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, चाचा छोड़ सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं चाचा? ये बहुत बड़ा हास्यास्पद बयान है। ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी से अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही है और वो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, उसका संगठन बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी में 17,000 से ऊपर आवेदन आए थे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और हमने 346 सीटों पर चुनाव लड़ के 38.5 से समाजवादी पार्टी के साथ की सुनाए। जी अभिषेक जी, वो समाजवादी घर में चिंता करना छोड़ दें। लेकिन अभिषेक जी जिस तरह आपको हंसी आई मुझे भी हंसी आई थी रामदास अठावले का बयान, लेकिन आज संजय निषाद का बयान कहीं कुछ खेला नहीं हो जाए यूपी में? देखिए संजय निषाद जी जो पहली कहते हैं ना पृष्ठभूमि बनी, पहली बार उसके बाद उन्होंने क्या किया, पैसे की लालच में जनता पार्टी का लिया। इससे पहले कौन जानता था संजय निषाद को, कोई नहीं जानता था। वो ये वही संजय निषाद श्री राम के जन्म पे विचित्र बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को ढो रही है। चलिए अभिषेक जी आप बने रहिए, आप क्योंकि आपकी आवाज हमको सही तरीके से नहीं मिल रही है, आपके पास लौटेंगे, आप थोड़ा नेटवर्क के इलाके में आएंगे तो आपसे हम बात करेंगे। लेकिन दर्शकों को बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द टूट देखने को मिल सकती है। संजय निषाद का वो बयान पहले दर्शकों को सुना देते, संजय निषाद ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव भी जा सकते हैं, ये सुनिए संजय निषाद का बयान। एनडीए की विचारधारा से जो भी सहमत है उसका स्वागत है, अभी तो आप देखना ना उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं, जयंत जी भी आने वाले हैं, क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा मिला रहे हैं। शिवपाल जी भी ने को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं तो ऐसे में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो आ रहा है और आगे आते रहेंगे। तो सुना आपने संजय निषाद का बयान, समाजवादी पार्टी में हो सकती है टूट, संजय निषाद ने बयान दिया, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। लेकिन अभिषेक जी जिस तरह ठीक है, देखिए राजनीति में कभी भी कुछ भी संभावना हो सकती है, आपने भी देखा महाराष्ट्र का उदाहरण है, महाराष्ट्र में किसी ने सोचा नहीं था कि एनसीपी में इस तरह की टूट होगी। तो अभिषेक जी लगातार समाजवादी पार्टी की टूट की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर अलर्ट भी है आप नहीं? बिल्कुल अलर्ट है, आप चिंता मत करें। भाजपा एक विरोधी खड़ा है जो खुद टूटने को तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की शैली से वो संतुष्ट, मंत्री अधिकारी नहीं सुनते, सरकार क्या टूट कराएगी। और इन भारतीय जनता पार्टी की तो पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, ये चुने गवर्नमेंट जाने का काम कर, ईशा से उन्होंने यही काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और बहुत मजबूत से लड़ेगी, इनके खुद इतने विधायक क्या कहते हैं पिछले 22 के विगत चुनाव में हमारे पास आने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोक लगा दी कि नहीं भैया अब हम भारतीय जनता पार्टी के उनको नहीं देंगे, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं है, वो सत्ता लोभी लोग हैं और सत्ता लोभी लोग का समाजवादी पार्टी